अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहाना का सफ़र। आज का जो वीडियो है वो ब्राइडल स्पेशल होने वाला है। शादियों का सीज़न आ रहा है तो आप इन सारी चीज़ों को लगा के अपनी केयर करें, जिसमें आता है ब्राइडल उपटन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक ब्राइड के लिए, और है एलोवेरा से बना हेयर पैक और बॉडी एंड फेस पैक, जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उपटन के बारे में आपको बता दूँ कि आपको इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं, जो कि आपको घर में इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है बेसन, जो कि आपका सनटैन रिमूव करेगा, डेड स्किन हटाएगा आपके बॉडी से, आपके स्किन से इंस्टेंट ब्राइटनेस देगा। एक्ने पिंपल को हटाने में तो बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, और आपकी बॉडी से और फेस से एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। एंड यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आता है गेहूं का आटा, और इसमें जो ग्लूटेन पाया जाता है वो हमारे बॉडी वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें जितने भी प्रकार के विटामिन, फाइबर, जिंक पाए जाते हैं, ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके चेहरे के आपके स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे आता है मसूर की दाल, जिसे मैंने पेस्ट बना लिया है। मैंने इसे 4-5 घंटों के लिए भिगो के रखा था। मैं दालों को पेस्ट बना के लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, आप भी चाहे तो यही कीजिए, और अगर आप पाउडर यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मसूर की दाल भी ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, और एंटी एजिंग होती है, और इसकी सबसे अच्छी बात है ये नाक के पास, जो हमारे नोज़ के पास ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं ना, उन्हें अच्छे से रिमूव कर देता है। और यहाँ पर आता है चावल का आटा, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, नेचुरल स्क्रब का काम करता है, स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे कुछ पाउडर्स है, जिसमें आता है ऑरेंज पिल पाउडर, यह आपके हर तरह के इरिटेशन को, स्किन के इरिटेशन को दूर करता है, आपके स्पॉट्स जो होते हैं चेहरे पर उसे कम करता है। यहाँ पर आता है नीम पाउडर, जो कि फेमस है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल के लिए, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसे ये दूर करेगा। और यहाँ पर आता है थर्ड नंबर पर कस्तूरी हल्दी, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है। कस्तूरी हल्दी ही आप यूज़ करें, कस्तूरी हल्दी और नॉर्मल हल्दी में बहुत फ़र्क है। कस्तूरी हल्दी आपके फेस हेयर ग्रोइंग को बहुत कम कर देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आता है ये है खट्टी दही, जो कि ब्लीचिंग, ये भी ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। यहाँ पे है टोमेटो, जिसका हमें सिर्फ अंदर का प्यूरे लेना है, जो अंदर का गूदा होता है वो लेना है, ये भी आपके स्किन ब्लीचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और ये है सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे सब कुछ इस चावल के आटे वाले बाउल में मिक्स करने वाली हूँ। सब कुछ मैंने एक एक चम्मच लिया है, क्योंकि मैं फुल बॉडी में लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज पिल पाउडर भी ऐड कर दिया है, अब नीम पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये रहा गेहूँ का आटा, और अब मैंने बेसन भी इसमें ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ों का आपको अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे मैंने मसूर की दाल का पेस्ट भी यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने बहुत सारी ऐड की है, आप अगर आपको इसमें पेस्ट बनाने में दिक्कत हो तो इसमें आप रॉ मिल्क, जो जिस दूध को उबाला नहीं जाता है, कच्ची दूध, वो यूज़ करें, आप पानी वगैरह ना यूज़ करें। और यहाँ पे मैंने टोमेटो के अंदर का जो प्यूरे होता है वो भी ऐड कर दिया है। अब मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उपटन में, वो है नींबू। मैं भी इसमें थोड़ा सा टुकड़ा नींबू का ऐड कर रही हूँ, उसके रस। अब मैं आपको इसे बता देती हूँ, आपको इसे इवनली अपने बॉडी के जिस एरिया में, फेस में, बॉडी में, पैरों में, जहाँ जहाँ, घुटनों में, आप जहाँ इसे लगाना चाहती है लगाएं, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मसाज कीजिए। जब चावल के आटे के ग्रैनुल्स आपके बॉडी में, मतलब आप उसे स्प्रेड करेंगे, तो वो एक नेचुरल स्क्रब का भी काम करेगा। तो आपको इसे अच्छे से मसाज करना है, और मसाज करने के बाद इसे आपको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए तो रखना ही है, आपको इसे पूरा ड्राई होने नहीं देना है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी का पूरा जो ऑयल है ये एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी बॉडी ड्राई हो जाएगी। तो आपको सिर्फ उतना ही देर रखना है, फिर इसे पानी लगा के मसाज करके धो लेना है। और मैं आपको एक टिप और बताना चाहूँगी, आप इसे लगाने के बाद, मतलब धोने के बाद जब आपका नहाते हो जाए, तो आप अपने बॉडी में, आपने जहाँ जहाँ लगाया था वहाँ पे कोकोनट ऑयल से मसाज करें, ताकि एक जो मॉइस्चर है आपकी बॉडी में वो लॉक हो जाए, आपकी स्किन ड्राई ना हो।
तो आपको इसे कम से कम वीक में एक दिन की, और जो न्यू राइड्स अभी बनने वाली है, एक महीना बाकी है, एक वीक बाकी है, आप इसे एक दिन की और यूज़ करें। अगर कम दिन बाकी है, एक वीक सिर्फ बाकी है, तो आप रोज़ यूज़ करें, आपको असर दिखेगा ही दिखेगा। इस उपकरण से सारी चीज़ें नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड आपको मेरा मैजिकल प्लांट जो है एलोवेरा, उसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा को कट करके रख लिए है, और यहाँ पे मैं इसे एज यूजुअल पानी में डाल के रखूंगी, ताकि इसका जो येलो पार्ट है वो इसे उसके पानी में निकल जाए, क्योंकि वो स्लो पॉइजन होता है। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बताया है हेयर वायर में। तो ये देखिए ऑलरेडी पानी येलो हो चुका है, और मैं इसे आधा एक घंटे के लिए इसी तरह पानी में छोड़ दूंगी, और आप देखेंगे इसका पानी का कलर एकदम डार्क येलो में बदल चुका होगा। और ये पानी तो आपको फेंक देना है, अच्छे से एलोवेरा को ऊपर से धोना है। मैं इसे आपको कट करने का थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊंगी। इसे आपको इसका पल्प निकाल के इसे ग्राइंड करना है, तो पहले इसके साइड के कांटे आपको अच्छे से निकाल देनी है, और इसके आपको 2 से 3 पार्टीशन करना है, और इसको इसके ऊपर का जो एक तरफ का छिलका आपको इसका निकाल देना है थोड़ा केयरफुली। आपको अगर नहीं आता, आप किसी और से करवाएगी चीज़, आपको हाथ नहीं काटना है बिल्कुल भी। और उसके बाद इस तरीके से हमें पूरा छिलका निकाल देना है, और एक चम्मच की हेल्प से, स्पून की हेल्प से, इसका जो पल्प है इस तरीके से आप देखिए, कुछ इस तरीके से आपको निकालना है, और आप इसे एक बाउल में रख लीजिए। देखिए एकदम इजीली, आपको बिल्कुल मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम इजीली इसका पल्प निकल के बिल्कुल आ जाएगा अच्छे से। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। जब आप इसे ग्राइंड करेंगे ना, तो ये इतना अच्छा पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल जो इसका जेल जो स्लाइमी टाइप होता है, बिल्कुल स्लाइमी नहीं लगेगा, बिल्कुल वाटर के जैसे ही हो जाएगा, झागदार इसमें फेस बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, एक पूरा आधा नींबू है और एक आधे का आधा। तो यहाँ पे मैंने एक और खाली बाउल लिया है, यहाँ पे मैंने ली है कस्तूरी हल्दी है ये, और ये वाली है आंबा हल्दी। अगर आप कस्तूरी हल्दी नहीं ले रहे हैं, तो उसके बदले आपको आंबा हल्दी ही यूज़ करनी है, अदरवाइज़ कोई पैकेट की हल्दी वगैरह नहीं। तो अब मैं एक बाउल में ये दोनों हल्दियाँ ऐड कर दूँगी, और उसमें नींबू का जो स्लाइस है उसका भी रस निकाल के डाल दूँगी। ये हमारा बॉडी और फेस पैक बनने वाला है, बॉडी पैक और फेस पैक। एक ही एलोवेरा की जेल से आपके दोनों काम हो जाएंगे, तो आपको भी इसमें कोई मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने पूरे फुल बॉडी के हिसाब से ये ऐड कर रही हूँ पूरा एक बॉल, और अब मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी, ईजीली मिक्स करके हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसे लगाना कब है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ। वैसे तो आप उपकरण को एक दिन की आड़ लगाएं, तो वो एक दिन जो आपका खाली रहे तब आप इसे लगाएं, मतलब ऐसे समझ लें कि 3 दिन उपकरण और 3 दिन ये वाला एलोवेरा वाला बॉडी और फेस पैक। तो आपको इसे अपने हर एरियाज में लगाना है, स्पेशली आपका प्यूबिक एरिया जो होता है, अंडर थाई, अंडर आर्म्स, वो आपका अगर लाइटिंग करना है, वो बहुत से लोगों के ब्लैक होता है, बहुत से कारणों के कारण वो ब्लैक होता है। तो आप इसे अच्छे से, मतलब अच्छे उपाय है वो एरिया लाइटनिंग करने का, तो आप उस एरिया में इसे मसाज करें, आप अपने पूरे फुल बॉडी में, फुल फेस में इसे मसाज करें, हर तरह की का जो स्पॉट है आपकी बॉडी में वो दूर हो जाएगा, जिन्हें बहुत बुरी तरीके का सन टैन हुआ होता है उस वो हटेंगा ही हटेंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और आपके चेहरे पे पिंपल्स है, उसके स्पॉट्स है, आपको डार्क सर्कल्स है, वो ये दूर करेगा, और आपके बॉडी का, आपके फेस का मॉइस्चर ये बनाए रखेगा, आपका स्किन ड्राई होने नहीं देगा, जो कि हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ विंटर में चाहिए होती है। और आपके जो नकल्स वगैरह जो ब्लैक पड़ जाते हैं, घुटने वगैरह, उनको ये लाइटनिंग करने में बहुत हेल्प करता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरीके की सर्दी खांसी वगैरह है, तो आप इसे अवॉइड करें, ना लगाएं, तो क्योंकि आपको और आपकी सर्दी खांसी बढ़ सकती है, तो आप उस टाइम पे इसे अवॉइड करें। आप देखिए आपको कंफर्टेबल फील हो, आपको असर तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिए। मेरा पर्सनली आपसे है एक रिक्वेस्ट कि आप इसे ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत असर दिखाई देगा। यहाँ पे सेकंड जो चीज़ आती है वो है हेयर पैक, जिसमें हमने जो आधा नींबू काट के रखा था वो पूरा मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, और इसे ऐड करने के बाद मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और मैं आपको बता दूँ, आपको हेयर पैक कम से कम वीक में एक बार यूज़ करना है, अगर आपको ठंडी लग रही है, सर्दी लग रही है,
आप 10 दिन के पास जाए, 10 दिन की आर लगाए, फिर भी नहीं हो रहा है, आप एक महीने आर महीने में दो बार लगा लें, तीन दिन में एक बार लगा लें, पर इसे ज़रूर लगाए अपने पूरे बालों में, रूट से लेकर पिक्स तक, इससे आपके डैंड्रफ दूर होंगे, आपको इची स्कैल्प है वो दूर होगा, आपके बाल स्मूथ बनेंगे, शाइनिंग बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्हें स्ट्रेट बाल चाहिए होते हैं उनके बाल बहुत हद तक स्ट्रेट हो जाएंगे, ये चीज़ मैंने खुद अपना के देखी है। और मेरी प्यारी दुल्हने जो बनने वाली है वो ब्यूटी पार्लर में ध्यान थोड़ा कम दें, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, आपका वहाँ पे पैसे खर्च भी कम होंगे और आपका आपकी जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी और ज़्यादा निखरेंगी। तो आप ये होम रेमेडीज़ अपनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये पसंद आया है या नहीं। और इसे सिर्फ दुल्हन नहीं, इसे हर कोई ट्राई कर सकता है, पर स्पेशली अभी शादियों का सीज़न है, ये वीडियो मैंने स्पेशली ब्राइड्स के लिए बनाया है। तो ब्राइड्स आप अपना ख्याल रखें, शादी इंजॉय करें और अल्लाह आपको एक खुशहाल भरी ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफिज़।